नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 22 को रीवा में, यह जानकारी देते हुए राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने बताया। आज मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को OBC के लिए जो उन्होंने अल्प समय में काम किया था उसके लिए धन्यवाद प्रेरित किया। साथ ही गांव गांव में चाय चौपाल के माध्यम से कांग्रेस की नीतियां, ओबीसी के लिए किए गए काम जनता को बताने का निर्णय लिया। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने और हमको क्या कुछ बताया। आज OBC की बैठक थी, क्या निकल कर रहा है? आज ये रीवा जिले के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जो है अल्प समय में कमलनाथ सरकार ने जो पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया था, किसानों का कर्ज माफ़ किया था और जो राशि सहायता राशि 54,000 रुपये किया था, इस तरह से जो जनहित में निर्णय लिए थे उसके लिए थैंक्स प्रस्ताव पास किया गया, उनको बधाई दी गई। और 22 तारीख को उनका कार्यक्रम बन रहा है रीवा में, जिसमें OBC कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। और दूसरा, चाय चौपाल चर्चा के माध्यम से उसको सक्रिय करने का विचार विमर्श हुआ कि गांव-गांव तक मोहल्ले मोहल्ले में जो है चाय चौपाल चर्चा लगा करके कांग्रेस की जो गरीब हितैषी नीतियां रही हैं, किसान हितैषी नीतियां रही हैं, पिछड़ा वर्ग दलित हितैषी नीतियां रही हैं, उनकी जानकारी दी जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों के विश्वास को ठगा है, लूटा है, उसकी जानकारी दी जाए ताकि सच्चाई जो इस देश की है वो जनता के सामने आ सके। तो कांग्रेस की विचारधारा को पहुँचाने के लिए चाय चौपाल चर्चा को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। और तीसरा, सदस्यता अभियान हमारे पार्टी चल रहा है, उसमें सबको निर्णय लिया गया सामूहिक तरीके से सब लोग ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीबों को कांग्रेस साथ जोड़ने के लिए व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाए ताकि उसका लाभ हमारे गरीबों को मिल सके। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।